वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो जी गाइज, आज है 13 अगस्त और सब लोग जा रहे हैं सेलिब्रेशन के लिए और यहाँ पे सारे बच्चे हो गए रेडी। ये देखिए शामी रेडी। शामी जी क्यों पहने आपने इस तरह से, ऊपर करो। अब्दुल्ला भाई भी रेडी है और मैंने भी ग्रीन कलर का सूट पहना है। बस नहीं पहना तो मेरी बेटी ने नहीं पहना, मेरा और सब बच्चे रेडी हो गए हैं जाने के लिए। थोड़ी सी प्रिपरेशन करी है, जंजीरें बनाई सारा दिन बच्चों ने, आज बैठ के आज सारी दिन बच्चों ने बैठ के यहाँ पे जंजीरें बनाई हैं और अभी भी काफ़ी झंडियाँ रह गई हैं जो लेके जाएंगे। और ये जैसे बचपन ही बनाते थे लई, तो वो लई बना के रखी है और ये सारी झंडियाँ हैं। तो बस अब चलते हैं, हम लोग जा रहे हैं, जल्दी जल्दी से रेडी हो गए हैं यहाँ पे ग्रीन कलर के कपड़े पहन के। और जी तो बस 14 अगस्त की रोशनियाँ देखने के लिए हम निकल गए। अब निकले तो यूं के भाई बहुत लाइटिंग होगी, लेकिन बहुत दूर गए तो एक बड़ी सी बिल्डिंग पर लाइटिंग हुई हुई थी, वरना सच कोई खास लाइटिंग थी नहीं। जी अब हम लोग निकले थे लाइटिंग देखने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब लाइटिंग पूरे कराची में, लाइक आगे हम हिस्से में गए और लाइटिंग हमें कहीं पर भी नहीं मिली, कोई लाइटिंग नहीं थी। और पहले बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। तो 12 बजने वाले थे तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिब्रेशन होना था, तो अब हम आए हैं आइसक्रीम खाने की, क्योंकि 12 बजने में कुछ आधा पौन घंटा रह गया। तो हमने सोचा कि अब यहाँ पर आकर बच्चों को आइसक्रीम खा ली जाए और फिर 12 बजे यहाँ पर देखेंगे हम छोटा सा सेलिब्रेशन। तो इसी तरह टाइम पास करते हैं और मंगवाते हैं कुछ आइसक्रीम। अदरवाइज रोडों का किसी किस्म का कोई जो है वो जो है कहते हैं लाइटिंग्स वगैरह नहीं लगी हुई, फारी हो गई, मतलब फुल फारी हो गई है। अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा। शामिल आप क्या खाओगे? कौन सा फ्लेवर खाओगे? चॉकलेट। और आप क्या खाएंगे? मैंगो ना? का 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 नहीं, मैं चॉकलेट। मम्मा खाएंगी स्ट्रॉबेरी। बड़ी क्विक सर्विस है, जल्दी ले आए। सदर वाली ब्रांच है इससे। ओके, ये है पेशावरी आइसक्रीम जी। ओके, ये चॉकलेट है और स्ट्रॉबेरी है। ओके थैंक यू। जल्दी ना जी। हां जी। ओ ओ, ये बोरी बाजार के सामने जो मशहूर ब्रांच है, ये उसी की ब्रांच है। ओके चलिए जी, अब आ गई है आइसक्रीम, तो खाते हैं हम आइसक्रीम। और यहाँ पर टाइम हो रहा है 11:30, तो बस जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाते हैं। हाउ इज द टेस्ट? टेस्ट में कैसी है? अच्छी है। ओके मुझे मजा आ गया। कैसी है शामी? मुझे तो मजा। अच्छी है। अच्छी है, मुझे चाहिए। मैं कहती हूँ आइसक्रीम तो कोई भी हो अच्छी ही होती है। आइसक्रीम खाते हैं और अब फिर मिलते हैं। सो जी गाइस, अब आइसक्रीम खा ली है और अब जा रहे हैं। 12 बजने में सिर्फ 5 से 10 मिनट रह गए, तो हम जा रहे हैं सेलिब्रेशन देखने के लिए। और फिर देखते हैं सेलिब्रेशन होने वाली का टाइम, और 12 बजने वाले हैं और थोड़ी सी देर रह गई। जुहान फैल गए हैं। जुहान जुहान लेट्स गो। जुहान चले, क्या हो गया? ओ यहाँ पर फाइटिंग हो गई है मेरा की और उसकी। तो जी जनाब, यहाँ पर हो रही थी कुछ छोटी सी सेलिब्रेशन, काफ़ी फायरवर्क हो रहा था क्योंकि ये हमारा पुराना इलाका है, लाइक दस्तगीर जावेद निहारी जो लोग कराची में रहते हैं वो सब जानते होंगे। तो ये वो एरिया है और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चहल पहल रहती है, अच्छा खासा माहौल बना रहता है। तो यहाँ पे एक क्लोथिंग का स्टोर है जो बहुत अच्छा है, और वहाँ पर साइड में बराबर में लोगों ने स्टॉल्स लगा हुए थे। ये स्टॉल्स हैं जहाँ पे बड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिल रही थी, बट 13 अगस्त की रात ही रह गई थी और बस एक मिनट रह गया है। अब जो है वो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था, एक मिनट रह गया और ये बच गए 12। और जैसे ही 12 बजे हैं वैसे ही जो है वो फायरवर्क स्टार्ट हुए हैं, और क्या कमाल के हुए हैं, ज़बरदस्त। मतलब आने जाने वाले सब लोग रुक रुक के देख रहे थे, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर जो है क्या कहते हैं लोग बहुत इजीली जो है वो कोई भी इवेंट जो है वो एंजॉय करते हैं। जावेद नियर्ज बाई जावेद निहारी। तो बस ये फायरवर्क्स थे, बहुत कमाल के फायरवर्क्स हैं, मतलब मुझे देखने में ही तो मज़ा आ रहा था। और पहले तो शुरू के निकले कुछ 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 बस, लेकिन उसके बाद क्या ज़बरदस्त निकले हैं, और आसमान पूरा रंगो रंग भर गया था। कोई 1 से 1.5 घंटा
लगातार होते रहे ये देखिए जी जनाब। तो हम भी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, दबा के हुई है। और मैं कहती हूँ यही सेलिब्रेशन है छोटी छोटी। ठीक है, मुल्क के हालात काफ़ी ख़राब हैं और लोगों का दिल नहीं किया है इस बार कुछ भी करने का, लेकिन क्योंकि ठीक है सेलिब्रेशन का दिन तो है हमारा, आज़ादी का दिन है, वो बात और है कि फ़िलहाल हम जिन सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहे हैं वो इतने नहीं अच्छे हमारे, बट वी हैव टू बी सेलिब्रेट अवर इंडिपेंडेंस डे। हमें करना चाहिए और ज़ोरों शोर से करना चाहिए। आप जितना एफर्ट डाल सकते हैं अपने इस दिन को बनाने के लिए, अब मैं कहती हूँ आपको डालना चाहिए। ऑल दो कि रोडों को जाम नहीं करना चाहिए। दुकान का नाम है अनऑफिशियल क्लोथिंग ब्रांड है, बहुत आउटस्टैंडिंग ब्रांड है। और ये क्या कहते हैं क्लोथ्स की खैर ब्रांडिंग तो नहीं हो रही है अदरवाइज़, लेकिन ये है कि हमारे पर्सनली जो है वो क्लोज फ्रेंड भी हैं, तो बहुत ही अच्छे जो है वो स्टोर है, इनके कपड़े भी बहुत अच्छे होते हैं। तो जो मेरी वीडियोज़ को देखेंगे दे आर मस्ट गो और जाएँ ख़रीदें वहाँ से, बहुत अच्छी स्टोर है। ये देखिए आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आ रहा था, मतलब ना काफ़ी देर तक हम लोग खड़े होके देखते रहे देखते रहे देखते रहे, बच्चे भी खुश यहाँ पे, शामिर मेरा जुहान, जुहान की तो आंखें ऐसी बंद हो रही थी ना बार 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 बार। ये देखिए बच्चे भी वीडियोस बना रहे, बस यही सेलिब्रेशन था, वरना ऐसे कुछ खास फंक्शंस वगैरह हुए ही नहीं थे। सारे बच्चे जिसने आज़ादी मुबारक मनाते हैं। एक्चुअली मैं मम्मा के घर पे थी जिसकी वजह से मेरा का ड्रेस आया नहीं था, हमें लेके नहीं आई थी, तो बेचारी मेरा के पास जो भी ड्रेस था अवेलेबल वो उसने पहन लिया था, बाकी बच्चों के ड्रेस इनके खालू जान लेके आए थे, तो बस बच्चों ने वो पहन लिए थे। जुआन बेचारे ने भी नहीं पहना ग्रीन ड्रेस, नेक्स्ट डे पहना इन लोगों ने ड्रेस क्योंकि स्कूल था और स्कूल में फंक्शन था, तो मैंने नेक्स्ट डे पहनाना था। से गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, जाइए, ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। तो बस रात को बहुत थक गए थे, नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल में फंक्शन था और यहाँ पर स्कूल का फंक्शन हो रहा है बच्चों का, बहुत ही प्यारी सेलिब्रेशन थी। मेरा ने चूँकि डांस की प्रैक्टिस की थी जो आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा था, तो मेरा ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी और उसकी वीडियोस ऐसे सच मेरे पास आई नहीं परफॉर्मेंस की अभी, जैसे ही आती है मैं अपलोड करती हूँ। बाकी बहुत ही अच्छा फंक्शन किया टीचर्स ने और पूरे स्कूल की तरफ से काफ़ी अच्छा जो है वो रिस्पांस था, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस था, बहुत अच्छी प्रैक्टिस की थी बच्चों ने और बच्चों को काफ़ी मज़ा आया। फ़र्स्ट टाइम मेरा का था लेकिन शी वर वेरी इंजॉयड, और काफ़ी जो है इस तरह की इवेंट्स में यही मज़े होते हैं बच्चों को कि सेलिब्रेशंस होती हैं। और ईद की, बकरा ईद की, 14 अगस्त की, 23 मार्च की, तो मैं कहती हूँ सारे पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को रेडी करें कि वो पार्टिसिपेट कर सकें, ताकि इससे इनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। और यहाँ पे आ गया शाम को था फंक्शन, हमारी बहुत सोसाइटी में बहुत अच्छा फंक्शन था, तो मैं तो नहीं गई लेकिन मैंने बच्चों को वहाँ पर भेजा था और उन्होंने वहाँ पर भी इंजॉय किया, तो ओवरऑल उन्होंने 14 अगस्त पूरी इंजॉय की भरपूर तरीके से। वहाँ पर आ गए बच्चों के कुछ पिक्चर्स और काफ़ी मज़ा आया, अच्छा सेलिब्रेशन रहा। तो ये था मेरा रूटीन, आप बताइए कि आप लोगों की 14 अगस्त कैसी गुजरी। कुछ पिक्चर्स आ गई यहाँ पर लास्ट में जो कि हम लोगों ने बीच बीच में हम ले रहे थे, तो वो शेयर करती हूँ मैं आपसे। आप लोग भी अपने पिक्चर्स शेयर करिए मुझसे, अपने बच्चों की, अपनी फैमिलीज़ की, आप लोग की 14 अगस्त कैसी रही। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी 14 अगस्त कैसी रही। अल्लाह हाफिज़।